Hello guys, welcome back in Movies Mania World. एक असली वेब सीरीज वो होता है जिनकी विजुअल इफेक्ट्स हमें सोचने में मजबूर कर दे, जिनकी कहानी कैरेक्टर्स हमें बियॉन्ड इमेजिनेशन वाली फीलिंग्स दे, और किसी भी सीरीज को देखना एक चैलेंज से काम नहीं है। तो इसलिए आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे टॉप 7 बेस्ट फैंटेसी वेब सीरीज। अगर आप किसी भी सीरीज को मिस नहीं करना चाहता है तो वीडियो पर जरूर अंत तक बने रहना, और ये सीरीज आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। और इन सीरीज को कहाँ देखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 7 वाली सीरीज है 2020 की कर्ज। ये एडवेंचर ड्रामा फैंटेसी सीरीज है। इसमें कहानी दिखाया है एक लड़की जो फे जाति की है और इंसानों से शपित मानते हैं, इसलिए इंसान उनकी सबसे बड़ी दुश्मन होता है, जिसमें उनकी पूरा गांव जला दिया जाता है, जिसके बाद उसे एक काम सौंपा जाता है, एक जादुई तलवार एक जादूगर तक ले जाना है। और ये सीरीज आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा, और इस सीरीज को गूगल IMDB ने 5.9 की रेटिंग दी है, और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 6 वाली सीरीज है 2017 की दशनारा क्रॉनिकल्स। तो ये एक एडवेंचर फैंटेसी साईफाई सीरीज है। इस सीरीज के अंदर कहानी दिखाया है, फॉरलैंड्स के अंदर एक जादुई पेड़ होता है जिस पेड़ ने शैतान को कैद करके रखा है। अगर उस पेड़ से पूरा पत्ता गिरने लग जाता है तो शैतान फिर से जाग जाएगा और दुनिया में फिर से तबाही होगा, और हमारे हीरोज को इसे रोकना है। और इस सीरीज को 7.2 की IMDB रेटिंग दी है, और आपको ये सीरीज हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा, और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 5 वाली सीरीज है 2021 की द व्हील ऑफ टाइम। ये सीरीज एक्शन एडवेंचर फैंटेसी है, और इस सीरीज के अंदर कहानी दिखाया है द डार्क वन, जिसने सदियों पहले पूरी दुनिया तबाह की, और अब वो फिर लौट आएगा, जिसे एक शख्स रोक सकता है जिसे ड्रैगन की नाम दी है, और उसकी फिर से पुनः जन्म होता है जिससे दौड़ने का काम आइसोडीन को सौंपा जाता है। ये सीरीज हिंदी में देखने को मिल जाएगा, और इस सीरीज को 7.5 की IMDB रेटिंग दी है, और आप इसे अमेजोन प्राइम वीडियो के अंदर देख सकते हैं। नंबर 4 वाली सीरीज है 2021 की शेडो एंड बॉन। तो ये एक एडवेंचर एक्शन ड्रामा फैंटेसी सीरीज है, और इस सीरीज के अंदर कहानी दिखाया है सदियों पहले एक जादूगर ताकत की नशे पे एक ऐसा साई बना दिया जो पूरी दुनिया में फैल गया, जिसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स है, और उसे रोक सकता है सन समुनर जो एक लड़की होता है जो सूरज की रोशनी को बुला सकता है। ये सीरीज हिंदी में देखने को मिल जाएगा, और इस सीरीज को 7.7 की IMDB रेटिंग दी है, और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 3 वाली सीरीज है 2019 की कार्निवल रॉ। इस सीरीज के अंदर कहानी दिखाया है एक जादुई दुनिया, और इस जादुई दुनिया में हर तरह के लोग जीता है, जिसमें इंसान से लेकर परी तक एक नर्क भरी दुनिया में जी रहा है, जो इंसानों की लालच की वजह से पूरी तरह से नर्क बन चुका था। और इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा एडवेंचर, हॉरर, फैंटेसी और पॉलिटिक्स, तो इस सीरीज का मेन पार्ट है। और ये सीरीज हिंदी डब पे तो अवेलेबल नहीं है, और आप इस सीरीज को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। नंबर 2 वाली सीरीज है 2021 की वंडा विजन। ये सीरीज मैजिक की रेयर सोर है, जिसकी लिमिट का अनुमान लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। कहानी है वंडर मैक्सिमोव की, जिसने अपनी लाइफ में सब कुछ खो देता है, और विजन के लिए उसका प्यार इतना सच्चा होता है कि जादू भी उसके सामने में हार मान लेता है, और एक ऐसा दुनिया बनाता है जिस दुनिया में वो विजन से मिल सकता है। ये सीरीज हिंदी डब पे अवेलेबल है, और इस सीरीज को 8.0 की IMDB रेटिंग दी है, और इस सीरीज को आप डिज्नी प्लस पर देख सकते हैं। नंबर 1 वाली सीरीज है 2021 की लोकी। ये सीरीज तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। कहानी है लोकी जो मरने के बाद भी नहीं मरता,
और ये सब शुरू होता है अवेंजर्स की टाइम ट्रेवल करने से, जिसमें लोकी अतीत से फरार हो जाता है, जिसके बाद TVA के लोग उसे पकड़ लेता है। और ये TVA की बात तो नेक्स्ट लेवल की है। ये सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप खो जाएंगे। और इस सीरीज को 8.3 की IMDB रेटिंग दी है और इसे आप डिज्नी प्लस पर हिंदी में देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं एंड करेंगे। ऐसे ही कंटेंट्स के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप सच में एक मूवी फैन है तो ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो भी हो कर देना। और हम फिर मिलते हैं एक नई एपिसोड और नई वीडियो में।